रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनस सईद अब्बासी है। मैं जमात पंजम से हूँ। मेरे स्कूल का नाम लंदन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है। मेरा आज का मौजू है निज़ाम-ए-शम्सी क्या है, आपको आज मैं बताऊँगा निज़ाम-ए-शम्सी के बारे में। सूरज और इसके सियारों के निज़ाम को निज़ाम-ए-शम्सी कहते हैं। अल्लाह ताला ने इस कायनात को अरबों खरबों के कशाओं से तश्कील दिया है। निज़ाम-ए-शम्सी भी इस कायनात का हिस्सा है। निज़ाम-ए-शम्सी का मतलब सूरज का निज़ाम है। सूरज के गिर्द मुख्तलिफ सारे हर वक्त अपने अपने मदार में गर्दिश करते रहते हैं। सियारों की इस गर्दिश के निज़ाम में बाल बराबर भी फर्क नहीं आता। निज़ाम-ए-शम्सी का मरकज सूरज है। ये रोशनी और तोनाई का सबसे बड़ा और कुदरती जरिया है। इसकी रोशनी और हरारत की बदौलत पौधों और फसलों की नशोनमा होती है। हमें लगता है कि सूरज सिर्फ सुबह को ही चमकता है और रात को कहीं आराम करने चला जाता है, मगर साथियों ऐसा नहीं है। दरअसल हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती रहती है। हकीकत ये है कि ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने होता है, वहाँ सूरज की रोशनी की वजह से दिन हो जाता है, और जो हिस्सा सूरज के सामने नहीं होता, वहाँ रात हो जाती है। जिसने बनाई दुनिया, जिसने बसाई दुनिया, मुझको भी ज़िंदगी दी, तुझको भी ज़िंदगी दी। हाँ वो मेरा खुदा है, हाँ वो मेरा खुदा है। जिसने बनाई सारे ये चांद और तारे, सूरज को रोशनी दी, फूलों को ताजगी दी। हाँ वो मेरा खुदा है, हाँ वो मेरा खुदा है। लेता हूँ नाम इसी का, बंदा हूँ मैं इसी का। वो मेरा रहनुमा है, वो मेरा आसरा है, वो मेरा खुदा है, वो मेरा खुदा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।